माय डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास नाइन्थ के बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, आज का लेक्चर पूरी तरह से पहला लेक्चर है जिसमें मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, और क्योंकि ये हमारी केमिस्ट्री की यूनिट 2 का पहला लेक्चर है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसे समझने के लिए या इसमें पढ़े जाने वाली बातों को जानने के लिए केमिस्ट्री की यूनिट 1 का पूरी तरह से आना और पता होना बेहद जरूरी है। तो अगर किसी क्लास नाइन्थ के बच्चे ने अभी तक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, देखा ही नहीं है और सीधा ये यूनिट देखनी शुरू कर दिया, तो मेरी उस बच्चे को सजेशन है कि पहले आप यूनिट 1 अपनी कंप्लीट करो और उसके बाद आप यूनिट नंबर 2 के सभी वीडियोस को आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो इसको देखने से पहले भी आपको यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होना जरूरी है। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, देखना ना भूले। पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक बांध दिया है, उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधा शुरू करते हैं कि हमारी आज के वीडियो में पढ़ाए जाने वाली यूनिट का जो नाम है उसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, और केमिस्ट्री का जो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक बच्चा कहता है सर ये तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जी हां, ये एक चैप्टर है जिसका नाम ही अपने आप में क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 का नाम था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एक बच्चा कहता है हां ये तो था ही, चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब अगर मैं इन दोनों के हिंदी वार्तालाप की बात करूं, जी हां हिंदी वार्तालाप की, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे वातावरण कहूं या हमारे आसपास के माहौल में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कह लीजिए, या आप पदार्थ कह सकते हो। पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। एक बच्चा बोला धातु क्यों नहीं बोल सकते, धातु भी तो बोल सकते हैं। नहीं मेरे बच्चों, धातु वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि धातु इस्तेमाल होता है एलिमेंट के लिए, जिसका जिक्र दूसरे चैप्टर में होगा, तो इसका इस्तेमाल यहां नहीं करते। तो चैप्टर का हिंदी वार्तालाप कहता है हमारे वातावरण या हमारे आसपास के माहौल में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार का सामान, वो सब कुछ जो हमारे आसपास मौजूद है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो हमें क्या पता चला कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं 3 प्रकार की हैं। या तो वो वस्तु सॉलिड स्टेट में है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, और या फिर वो वस्तु लिक्विड स्टेट में है, ये भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, और या फिर वो वस्तु गैसियस स्टेट में है, ये भी हमने पढ़ा है। मतलब स्टेट तो और भी है, लेकिन मेजॉरिटी रूप से अगर मैं बात करूं तो हमने 3 प्रकार की स्टेट्स का जिक्र किया है। एक जिसे कहा गया सॉलिड स्टेट, एक जिसे कहा गया लिक्विड स्टेट, और एक जिसे कहा गया गैसियस स्टेट। अब एग्जांपल देने के मत कहना, मेरा हर बच्चा जानता है कि एग्जांपल्स क्या है। सर आप पुराने चैप्टर की बातें क्यों करने लग गए? नहीं नहीं बच्चों, मैं पुराने चैप्टर की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने चैप्टर की बातों को याद दिलाकर नए चैप्टर की बात की शुरुआत कर रहा हूं। ये मैटर है और ये हमारे आसपास के वातावरण में पाया जाता है। क्या हर वो चीज जो आपके आसपास मौजूद है क्या वो शुद्ध है? एक बच्चा कहता है शुद्ध होना चाहिए या स्वच्छ होना चाहिए? नहीं, स्वच्छ मींस साफ, स्वच्छ मींस क्लीन, एंड प्योर मींस शुद्ध। तो यहां पे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी इसका हिंदी वार्तालाप बनता है क्या हमारे आसपास यानी हमारे माहौल में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं क्या हमारे आसपास
या हमारे माहौल में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं शुद्ध, यानी मैं लिखूंगा यहां पे शुद्ध है, शुद्ध है या नहीं। एक बच्चा कहता है शुद्ध है या नहीं, मतलब यार शुद्ध का मतलब होता है प्योर। तो हम क्या हमारे आसपास के जिस वातावरण में जी रहे हैं वहां कोई चीज इम्प्योर है क्या? क्यों बच्चों, इम्प्योर नहीं हो सकती। अरे सबसे प्यारा एग्जाम्पल है हमारे आसपास की हवा, हवा ही अशुद्ध हो जाती है जिसे आप कहते हो पॉल्यूशन। एक बच्चा कहता है वो तो पॉल्यूशन है ना। अरे पॉल्यूशन है तो क्या हुआ, पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है ना। अगर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में कोई पॉल्यूटेंट या कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज एंटर कर जाती है जो आपके लिए नुकसानदायक है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। आपने बचपन में वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, आपने बचपन में एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, आपने बचपन में सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो ये सब चीजें शुद्ध नहीं होती अगर इनमें कुछ भी ऐसा घुस जाए या कुछ भी ऐसा पाया जाए जो कि नुकसानदायक है या हानिकारक है। तो हमारे आसपास की जो हवा है वो प्योर नहीं होती, कब? तब जब उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं हवा, पानी, मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो हो सकता है इस समय आप जहां पर भी बैठे हो, अगर आप अपने घर के किसी कमरे में बैठे हो ना, तो आपके किसी एक पर्टिकुलर रूम से कुछ ही दूरी में आपके घर की किचन है। आपकी किचन में बहुत सारा सामान है, जी हाँ बहुत सारा सामान है। एक बच्चा कहता है नहीं सर इल्जाम मत लगाना, मेरे किचन में सब कुछ साफ है, हम तो शुद्ध देसी घी वाला खाना खाते हैं, हमारे घर में एवरेस्ट का तीखा लाल नमक आता है, मसाला आता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया आता है, गरम मसाला भी हमारे घर में MDH वाला आता है, आप ये मत सोचना कि लोकल क्वालिटी का खाना खाते हैं। अरे नहीं बच्चों, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं सिर्फ आपको एक बात याद दिला रहा हूं, सुनो क्या है वो बात, पहले पूरी सुनो। मैंने कहा कि आप जिस कमरे में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो या जहां पे भी देख रहे हो, अगर आपके घर में आप देख रहे हो तो आपके घर में आपसे कुछ ही दूरी पर आपकी किचन है। अब ये मत कहना सर हमारे घर में पानी भी गंदा आता है, मैंने कब कहा? आप assumptions लगाना बंद करो, assumptions मत लगाओ, पहले मेरी बात सुनो। आपकी किचन में बहुत सारा ऐसा सामान है जो आप डेली पर्पस में किसी ना किसी चीज में अपने खाने में इस्तेमाल करते हो, नमक का इस्तेमाल करते हो, गरम मसाला का इस्तेमाल करते हो, चाट मसाला का इस्तेमाल करते हो, सब्जी रोटी और न जाने क्या क्या आप खाते हो। क्या सब कुछ जो आप खा रहे हो वो प्योर है या इम्प्योर है, ये आपको कैसे पता चलता है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, सुनना मेरी बात। वो सब कुछ जो आपके आसपास मौजूद है, अगर मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और आपने कहा यार मुझे ये पानी नहीं पीना, मैंने पूछा भाई क्यों पानी क्यों नहीं पीना, आपने कहा तुम्हारा पानी गंदा, मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता मेरा पानी गंदा, तुम्हें मेरे पानी में क्या कोई गंदगी नजर आ रही है? आपने कहा नहीं मुझे ना आरओ का पानी पीने की आदत है, फिल्टर का पानी पीता हूं मैं। तो भाई फिल्टर का पानी आप पीते हो, ये फिल्टर का पानी आपके लिए सबूत है कि शायद उस पानी में कोई कीटाणु नहीं है। और अगर मैं आपको नॉर्मल पानी किसी नलके से खोलकर ये कह दूं कि फिल्टर वाला पानी है तो आप पी जाओगे, क्योंकि मैंने सिर्फ फिल्टर वर्ड इस्तेमाल कर दिया, कीटाणु तो आपको पहले भी नहीं दिख रहे थे। जी हां, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में अगर मैं प्योरिटी की बात करूं, शुद्ध, शुद्ध को हम अशुद्ध कम मानते हैं, कोई भी चीज को हम इम्प्योर कम मानते हैं, हम किसी भी चीज को इम्प्योर तब मानते हैं जब उसमें मिलावट होती है। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की, आई एम नॉट स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट साइंस। भाई चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की सभी चीजें शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं? तो इस सवाल का जवाब तो मुझे आपको देना पड़ेगा ना, लेकिन सवाल ही बड़ा संगीन है। इससे पहले कि मैं सवाल के जवाब पे आऊं और चैप्टर की शुरुआत करूं, आधे से ज्यादा बच्चे और कुछ टीचर्स अपने बच्चों को ये बात बताने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते कि कम से कम पहले चैप्टर के नाम का मतलब तो समझो। ये जो प्योरिटी की बात कर रहा है, ये कौन सी प्योरिटी है? हम तो हमारे घर में जितना भी खाना खा रहे हैं सब साफ है, कोई कीटाणु नहीं है उसमें, कोई गंदगी नहीं है, पूरी तरह से प्योर है। देखा जाए तो प्योर ही है, कौन सी चीज गंदगी है? हर कोई अपने घर में इस्तेमाल किए जाने वाली हर चीज का बराबर इस्तेमाल करने के समय इस बात का ध्यान रखता है कि वो खराब ना हो। सब्जी बनाते हो मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनती है, उसमें आलू टमाटर बीन्स पनीर मटर बहुत कुछ डलता है। तो एक बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैं क्यों? कह रहा मिलावट हो गई। मैं किस चीज की? कह रहा आलू डाला फिर मटर भी डाल दिया तुमने।
अबे यार वो तो डलेगा, वो तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। नहीं नहीं तुमने मिलावट कैसे कर दी, आलू में मटर मिलावट मिला दिया तुमने। यार आलू मटर की सब्जी में आलू और मटर की मिलावट तो होगी ना, लेकिन फिर भी आप उसे प्योर मानते हो। आप बोलते हो कि यार उसमें आलू में मटर तो मिलेगा ही ना, और क्या। नहीं नहीं तुमने मसाला भी तो मिला दिया, तुमने मिर्ची भी तो मिला दी, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे घर का खाना, पूरी मिलावट वाला खाना है। लो जी फिर तो ये सब कुछ मिलावट है। पानी में ग्लूकोज मिला के अगर आपको कोई दे दे तो क्या पानी पीने से मना कर दोगे? हाँ मैं नहीं पीऊंगा, उसमें ग्लूकोज मिला दिया, मिलावट कर दी। देखा अब मिलावट का मतलब क्या है? मिलावट का मतलब है कोई ऐसी चीज मिला देना जो हानिकारक है। अच्छा अच्छा ऐसी बात है। नहीं ग्लूकोज को पानी में मिलाने में ग्लूकोज हानिकारक नहीं है, मिला दो तो ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज को पानी में मिलाने में ग्लूकोज हानिकारक नहीं है, इसलिए आप पानी में मिला के पी जाते हो, मिक्सचर बना के पी जाते हो। हाँ है ना, ये वर्ड बड़ा प्यारा है मिक्सचर। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम किसी भी चीज को शुद्ध तब मानते हैं जब उसमें कोई मिलावट ना हो, यानी कोई और चीज उसमें मौजूद ना हो। लेकिन सर उस हिसाब से तो हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अब हमारे घर में आप मिक्स वेजिटेबल सब्जी की बात कर लो, अरे मिक्स वेजिटेबल छोड़ो सर, चाट मसाला जो होता है उसमें मिर्च भी होती है, उसमें नमक भी होता है, होता तो एक प्रकार का मसाला ही है ना, तो क्या हम उसे इम्प्योर मान लें? अब रियल लाइफ में उसे इम्प्योर नहीं मानते। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि हाँ साइंस के नजरिए से अगर किसी चीज में कोई चीज मिली हुई है, साइंस के नजरिए से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नजरिया राइट नाउ, ह्यूमन नजरिए से किसी भी चीज को अशुद्ध तब माना जाता है जब उसमें गंदगी शामिल होती है। उसके अलावा तुम कुछ भी मिला लो, मटर में पनीर, पनीर में आलू, आलू में सब्जी, सब्जी में बीन्स, बीन्स में कुछ भी मिला लो, जब तक तुम जो चीजें मिला रहे हो वो चीजें साफ है तो बनने वाला मिक्सचर भी साफ है। साइंस कहती है ना मिलाया तो ना, मिक्स तो किया तुमने। तो जब किसी चीज में कोई चीज मिक्स कर दी जाती है तो साइंस के नजरिए से वो एक मिक्सचर बन जाती है, तो फिर यार फिर तो सब कुछ ही इंप्योर लगेगा। हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उस हिसाब से आपको सब कुछ इंप्योर लगेगा क्योंकि सब कुछ में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। यार आप बाजार से कोई भी सामान खरीदने जाते हो उसके पीछे लिखा होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इतना कुछ उसमें शामिल होता है, तो फिर आप तो कहोगे ये तो मिलावट है। लेकिन वो मिलावट किन चीजों की है? वो मिलावट उन चीजों की है जिन चीजों को इस्तेमाल करके वो बनाया गया है, तो उसके बिना वो बनता भी नहीं, जरूरी था। तो आपकी रियल लाइफ है वो आपकी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन साइंस के अनुसार वो प्योर नहीं माना जाएगा, साइंस की भाषा में वो अशुद्ध है। एंड अशुद्ध डज नॉट मीन्स मिलावट ऑफ गंदगी, अशुद्ध मीन्स मिलावट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगर कोई भी चीज में कुछ भी एक से ज्यादा अलग 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 प्रकार की चीजें मौजूद है तो साइंस उसे इंप्योर मानती है, और इसलिए साइंस इंप्योर वर्ड बोल के आपको परेशान नहीं करना चाहती। साइंस नहीं कहती कि तुम दूध मत पीना, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, अमीनो एसिड भी है, मत पीना, ऐसा साइंस नहीं बोलती। क्योंकि अगर साइंस ये बोलने लग गई कि दूध इज अ मिक्सचर, दूध इज अ इंप्योर मटीरियल, तो आप दूध नहीं पियोगे, इसलिए साइंस उसे इंप्योर नहीं कहती, साइंस उसे मिक्सचर कहती है, यानी वो एक मिक्सचर है। देखा जाए तो साइंस के नजरिए से वो प्योर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें कई सारी चीजें मिली हुई हैं। तो आपको एक चीज बहुत सिंपल तरीके से समझनी है, मेरी सारी बातों को दो मिनट के लिए हटा दूं, तो प्योर किसी भी चीज को हम तब बोलते हैं जब उसमें एक ही प्रकार की चीज मौजूद हो, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। प्योर मीन्स प्योर। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर में मैं ऑक्सीजन की गैस भर के ले आया, ऑक्सीजन तो समझते हो, ऑक्सीजन सांस लेने के काम आता है, तो ऑक्सीजन की गैस में ऑक्सीजन के ही आइटम है और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन के गैस में ऑक्सीजन के ही आइटम होंगे, क्यों? पानी में तो ऑक्सीजन के आइटम नहीं होते, पानी में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है, वॉटर H2O। तो इसका मतलब वॉटर क्या है? वॉटर एक प्रकार का मिक्सचर है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया गया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर में एक नहीं एक से ज्यादा एटम शामिल है। जी हां, कोई भी चीज या तो सिर्फ एटम की बनी होगी एक प्रकार के, और कोई भी चीज या एटम की बनी होगी एक से ज्यादा प्रकार के। तो अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं, सिर्फ ऑक्सीजन की, यानी अगर मैं सिर्फ O2 की बात करूं, तो O2 बना है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम से।
लेकिन बच्चों अगर मैं पानी की बात करूं, यानी अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर में हाइड्रोजन के दो एटम है, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ये देखो यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम, दो, तो दो दुनी चार, टोटल चार, दो दुनी चार। ऑक्सीजन कितने, दो। ऑक्सीजन कितने, दो। ये मैंने जो गिनती करी है, ये गिनती अभी आपको नाइन्थ क्लास में नहीं सीखनी, आप बड़ी क्लास में सीख जाओ। इसे बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिलहाल ये जान लो कि 2H2O मींस वाटर के दो मॉलिक्यूल। एक बच्चा कहता है मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, मैं जानना चाहता हूं मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं समझाऊंगा। केमिस्ट्री की दुनिया में हम जितने भी चीजों को पढ़ते हैं, वो सब चीजें किससे बनी है, एक छोटे से कण से बनी है। और उस कण को हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं एटम। यानी द एवरी मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल एंड ए टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। और हर एक प्रकार का एटम अपना सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है, एटम से छोटा कुछ नहीं है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन का एटम O है। एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनाता है O2 गैस। एक बच्चा कहता है देखो मिलावट हो गई। अबे मिलावट कहां से हुई, आलू में आलू मिलाओगे तो आलू ही तो पाओगे, पनीर में पनीर मिलाओगे तो पनीर ही तो मिल पाओगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिलाओगे तो ऑक्सीजन ही तो पाओगे। मिलावट तब होती है जब मिलाए जाने वाली चीजें ही अलग हो, या तो मिलाए जाने वाली चीजें एक ही प्रकार की है। तो दोज सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यस आई रिपीट माय सेंटेंस, वो सभी चीजें, वो सभी वस्तुएं, वो सभी सामान जो हमारे आसपास मौजूद है, और उन्हें जब बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखा जाए और पता चले कि उनमें केवल और केवल एक ही प्रकार का एटम है, चाहे एटम कितने भी हो एक ही प्रकार का। अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन के दूसरे एटम से मिलकर बनाता है क्लोरीन गैस Cl2। तो ये Cl2 गैस भाई बनी तो क्लोरीन के एटम से ही है। अगर मैं आपके सामने सफेद रंग का नमक रखूं, तो नमक तो सफेद रंग का है, उसमें आपको नमक के दानों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन नमक में मैं नमक, चीनी, नमक और मिर्ची और हल्दी और पता नहीं क्या क्या मिला दूं, तो शायद आपको चाट मसाला मिल जाएगा। जी हां, चाट मसाला जो हम लोग अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, या गरम मसाला। इफ वी लुक एट द वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ नमक, देन वी विल फाइंड दैट एवरी पार्टिकल इज ऑफ द सेम टाइप। माइक्रोस्कोप से देखने पता चलेगा, बट इफ वी लुक एट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ गरम मसाला और चाट मसाला, then we will find that गरम मसाला does not contain only नमक, it contains नमक, it contains मिर्ची, it contains some other काला मसाला, it contains some other गरम मसाला, it contains some काली मिर्च का मसाला, it may contain something else also। सब चीजों को मिक्स करके एक मिलता है चाट मसाला और गरम मसाला। I hope you are understanding। अबे तभी तो उसका नाम मसाला है। मसाला कब कहते हैं इस चीज को, जब उसमें बहुत कुछ मिला दिया जाए। जी हाँ, तब वो प्योर नहीं कहलाता है, तब वो मिक्सचर कहलाता है साइंस की भाषा में, या इम्प्योर कहलाता है साइंस की भाषा में। नॉर्मल भाषा में तो हम कहां चाट मसाला को इम्प्योर मानते हैं, कहते शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। मिलावट है ना, नमक है, मिर्ची है, गरम मसाला है, और पता नहीं उसमें क्या क्या और मिला के रखा है उन्होंने। लेकिन साइंस के नजरिए से हम बात कर रहे हैं, तो साइंस के नजरिए से उसमें पाए जाने वाले सभी एटम्स एक प्रकार के नहीं है। सो एनी सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली एक ही प्रकार का एटम, वन टाइप ऑफ एटम, इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को ही प्योर सब्सटेंस कहा जाता है जिसमें एक ही प्रकार का एटम है। एक बच्चा कहता है क्यों, अगर एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के एटम हुए तो क्या वो प्योर नहीं कहलाएगा? नहीं नहीं, प्योर वो तब भी कहलाएगा, लेकिन हमें देखना है कि वो कंबाइन कैसे किया हुआ है। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस दो तरीके से मौजूद होगा, या तो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम में, या तो सिर्फ एक ही प्रकार का एटम, या तो सिर्फ एक ही प्रकार का एटम, या एक से ज्यादा एटम आपस में जुड़े हुए। मतलब कहना क्या चाहते हो, आओ समझाता हूं कहना क्या चाहता हूं। ये एग्जांपल दिया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर पानी बनाते, तो पानी में पानी नजर आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नजर नहीं आता। एक बच्चा कहता है ये क्या बात हुई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में है तो सही ना, नजर तो नहीं आ रहा ना, पानी में से पानी नजर आ रहा है, तो जो बना तुम्हें वो नजर आ रहा है, तो पानी में से पानी है, लेकिन पानी बना किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब एक एटम दूसरे एटम
से कंबाइन करके कुछ बनाता है, तो जो वो बनता है वो एटम नहीं है, वो एटम की दोस्ती एटम के साथ मिलकर कुछ नया बनाए, उसे कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में मॉलिक्यूल। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सो वॉटर इज अ मॉलिक्यूल, यानी पानी एक मॉलिक्यूल है, O2 भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन O2 या Cl2 मॉलिक्यूल में और वाटर मॉलिक्यूल में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क यह है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें कंबाइन करने वाले दोनों एटम सेम है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कंबाइन करने वाले दोनों एटम अलग है। सुनो ये चीज कैसे हो रही है, मैं आपको दोबारा एग्जांपल देता हूं, ये देखो आपको चीजें समझ आनी चाहिए। हर एक पर्टिकुलर चीज का एक सिंबल होता है, मतलब केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, यानी जितनी भी प्योर चीजें हैं, वो केमिस्ट्री की दुनिया में जब स्टडी की गई तो उन्हें एक नाम से पुकारा गया, उन्हें कहा गया एलिमेंट। केमिस्ट्री की दुनिया में ऑल द प्योर सब्सटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, आइदर दे विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स और दे विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं वैसे तो। केमिस्ट्री की दुनिया में प्योर सब्सटेंसेस जितने भी हैं, अब प्योर सब्सटेंसेस क्या है सुनो, ऑल द सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम्स आइदर ऑफ द सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप बट कंबाइंड टुगेदर, कुछ कंबाइन करके उन्होंने नया बना लिया, अपना वजूद उन्होंने गवा दिया। जैसे गरम मसाला में आपको दिखता तो गरम मसाला है, लेकिन उसमें नमक मिर्ची और बाकी सब चीजें आसानी से माइक्रोस्कोपिकली पहचानी जा सकती है, यानी उन्होंने आपस में कंबाइन नहीं किया। जब चीजें आपस में कंबाइन नहीं करती हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे मार्केट में आप नॉर्मल मिक्सचर खाते हो तो एक मिक्सचर आता है, इसमें भुजिया भी होती है और उसके अंदर और बहुत कुछ, मूंगफली किशमिश काजू सब कुछ मिला हुआ होता है। और सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता है, जब आप किसी के घर जाते हो और वो आपको कहते हैं आओ जी कैसे हो जी नमस्ते जी बैठो जी खाओ जी, आपके सामने आता है मिक्सचर, नवरत्न मिक्सचर उसका नाम है, उसके अंदर से काजू चुन चुन के खाने में जो मजा आता है ना, आपने ऐसा किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, बहुत मजा आता है। हम पूरा मिक्सचर नहीं खाते थे बचपन में, अब तो आप बड़े हो गए हो ऐसा अब नहीं करते होगे, मैं भी नहीं करता हूं लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। हमें वो काजू चुनकर खाने में और किशमिश चुनकर खाने में बड़ा मजा आता है, तो वो जो एक मिक्सचर है उस मिक्सचर में से हमने वो चीजें उठाई हैं जो हमें दिख रही हैं। क्या पानी के मॉलिक्यूल में से आप कह सकते हो नहीं नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए तुम ऑक्सीजन दे दो? अब किसी आदमी को अगर सांस नहीं आ रहा है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो क्या आप उसे पानी दोगे? लो पानी, कह रहा भाई साहब मुझे ऑक्सीजन चाहिए पानी क्यों दे रहे हो? नहीं इसमें ऑक्सीजन होता है ना भाई, कहां है वो कंबाइन कर चुका है। तो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो कंबाइन कर जाएंगी या वो कंबाइन नहीं करेंगी। अगर वो कंबाइन कर जाती हैं तो वो प्योर है, लेकिन अगर वो कंबाइन नहीं करती हैं तो वो इम्प्योर है। तो प्योर सब्सटेंसेस की दो कैटेगरी, या तो कोई एलिमेंट या तो कोई कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है? एलिमेंट के पास एक ही प्रकार का एटम होता है, लेकिन कंपाउंड के पास एक से ज्यादा अलग अलग एटम हो सकते हैं। सर एग्जांपल देता हूं, आओ एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, और इन एलिमेंट्स के जो एटम है उनका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, क्लोरीन का होता है Cl, सोडियम का होता है Na, आयरन का होता है Fe, मैग्नीशियम का होता है Mg। एक बच्चा कहता है आपको कैसे पता? मुझे तो नहीं पता, मैं तो सुनी पहली बार रहा हूं। ऐसा नहीं है, आपने बचपन में भी देखा है, लेकिन सिंबल आपको अभी याद हो ये जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री में आगे आने वाले चैप्टर्स हैं कुछ जिनको पढ़कर ये सिंबल्स आसानी से आपको याद हो जाएंगे, और अभी तो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब ये एटम्स अभी अकेले हैं, क्योंकि ये अकेले हैं तो ये प्योर है, क्योंकि ये अकेले हैं तो ये प्योर है, और इनका नाम है
एलिमेंट्स। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, इनका नाम है एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो प्राप्त होगा वो तो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जी हां, सिर्फ एक ही प्रकार का एटम होगा तो ही वो एलिमेंट कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा हुआ तो क्या वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा? नहीं। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से या कोई एक एलिमेंट किसी अपने ही जैसे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड। उसे मॉलिक्यूल कब कहते हैं? मॉलिक्यूल तब कहते हैं जब वो अपने जैसे ही किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो इसे कहा जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसे कहा जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर क्लोरीन ने क्लोरीन से कंबाइन किया तो इसे कहा जाएगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। एक बच्चा कहता है कि सर उस हिसाब से अगर हाइड्रोजन ने सीएल से कंबाइन करके एचसीएल बनाया तो इसे कहा जाएगा एचसीएल का मॉलिक्यूल, या इसे एक और नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंड। ये नया नाम है। तो जब केमिस्ट्री की दुनिया में अलग 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 प्रकार के एलिमेंट्स एक दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेंगे तो वो दूसरा एलिमेंट या तो उन्हीं के जैसा होगा या फिर वो अलग होगा। चाहे वो अपने ही जैसे किसी एलिमेंट से कंबाइन करे या फिर वो किसी और से कंबाइन करे, याद रखना कि जब वो कंबाइन करेंगे तो वो कुछ नया बनाएंगे। एक बच्चा कहता जरूरी है? जरूरी तो नहीं है कि नया बनाए, क्या पता रिएक्ट ना करे। हां, केमिस्ट्री ये पॉइंट भी बोलती है कि हो सकता है कि कुछ चीजें आपस में रिएक्ट ही ना करें। जैसे कि आपका वो मिक्सचर, नवरत्न मिक्सचर, उसमें काजू भी मिलाते हो, किशमिश भी मिलाते हो, बादाम भी मिलाते हो, मूंगफली भी मिलाते हो, तो भाई काजू काजू नजर आता है ना। क्या काजू मिक्सचर से या किशमिश से रिएक्ट कर गया? नहीं। पुलाव खाते हो आप घर में, पुलाव तो मिक्स वेजिटेबल बनाते हो अपने घर में, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जब आपस में मिलाया जाएगा तो कुछ नया नहीं रैदर मिक्सचर बन जाएगा। हम फिलहाल मिक्सचर की बातें नहीं कर रहे हैं, मैं मिक्सचर पे भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। सो हम अब तक ये चीज जान चुके हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में मौजूद होंगे या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद होंगे। एलिमेंट क्या होता है? वो जिसमें मौजूद होगा एक ही प्रकार का एटम। कंपाउंड क्या होगा? वो जिसमें मौजूद होगा एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के एटम जो आपस में जुड़कर कुछ नया बना चुके हैं। जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। सही सुना आपने, पानी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, तो अगर ये सारी बातों को मैं समराइज करूं तो कैसे समराइज करूंगा, मैं आपको समझाता हूं। आइए, ये सारी बातों को मैं एक समराइज वर्जन में भी आपको समझा सकता हूं। इसका एक बेसिक समरी आपको देना चाहूंगा, दैट हाउ द मैटर हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। यानी अगर मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, तो देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, आपको बातें जल्दी समझ आएंगी। ये बहुत प्यारी हेडिंग है। इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग में मैं साफ साफ कह सकता हूं क्लासिफिकेशन, मैं यहां लिख सकता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। यहां बात हो रही है प्योरिटी की, तो प्योरिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बात करता हूं मैटर, हमें क्या पता है? मैटर हमें पता है कि वो तीन प्रकार का हो सकता है, या तो वो मैटर सॉलिड होगा, या फिर वो मैटर लिक्विड होगा, या फिर वो मैटर गैसेस होगा। चाहे वो मैटर सॉलिड हो, चाहे वो मैटर लिक्विड हो, चाहे वो मैटर गैस हो, ये पूरा का पूरा मैटर या तो
होगा प्योर फॉर्म में, या तो ये होगा प्योर फॉर्म में या फिर ये होगा इम्प्योर फॉर्म में। अब ये प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? या तो वो होगा प्योर फॉर्म में बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, या फिर वो होगा किसी के साथ कंबाइन, किसी के साथ कंबाइन। जी हां, किसी के साथ कंबाइन। कंबाइंड होना और किसी के साथ होना में फर्क है। काजू और किशमिश को अगर साथ में रख दो तो काजू और किशमिश दोनों अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल को आपके सामने रखूं तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग अलग पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते ना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें वो मॉलिक्यूल, वो एटम है जिनको कंबाइन करके आपको पानी मिल चुका है। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो बिल्कुल अकेला अगर होगा तो उसे कहा जाएगा एलिमेंटल फॉर्म। बिल्कुल अकेला होगा तो वो कहा जाएगा एलिमेंट की फॉर्म में, यानी वो एलिमेंट है। अगर किसी के साथ कंबाइंड हुआ तो कंबाइंड जब होगा तो या तो वो कहलाया जाएगा मॉलिक्यूल या फिर उसे कहा जाएगा कंपाउंड, या फिर उसे कहा जाएगा कंपाउंड। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो बिल्कुल अकेले में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब एग्जाम्पल है किसके? एलिमेंट्स के। आओ बात करते हैं मॉलिक्यूल की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल, ये सब कंबाइंड फॉर्म में है। बात समझ आ रही है? अब बात करता हूं इंप्योर की। जो इंप्योर होते हैं वो जनरली मिक्सचर होते हैं, जो इंप्योर होते हैं वो जनरली मिक्सचर होते हैं, जो मिल तो जाते हैं, जो मिल तो जाते हैं आपस में, मिल तो जाते हैं आपस में, पर कुछ नया, पर कुछ नया नहीं बना पाते, पर कुछ नया नहीं बना पाते। दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, आपस में रिएक्ट नहीं करते, कुछ नया नहीं बनाते। एक बच्चा कहता है मतलब फॉर एग्जाम्पल नमक को पानी में मिला दो तो क्या पानी बदल जाएगा? नहीं ना। पानी में से नमक अलग किया जा सकता है, लेकिन नमक जब पानी में मिल जाता है और घुल जाता है तो आंखों से नजर नहीं आता है, इसलिए तो पानी में नमक घुला हुआ बिना टेस्ट करे पता नहीं चल पाता है, लेकिन नमक तो घुला हुआ है, पूरी तरह से फैल गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यह बड़ा प्यारा वर्ड है। जब कोई चीजें आपस में एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। लेकिन जब कोई चीज किसी चीज में पूरी तरह से मिक्स ना हो, थोड़ी 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 नजर आए, जैसे कि मटर पुलाव, मटर पुलाव मतलब मटर और चावल, पूरे चावल में मटर होते हैं लेकिन सब जगह तो मटर नहीं होते ना, मटर अलग नजर आता, चावल नजर आता, मिक्सचर तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। एक बच्चा कहता है मैं क्या पेपर में मटर पुलाव का एग्जांपल लिख कर आऊंगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम में ये सारे एग्जांपल नहीं लिखोगे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो केवल आपको चीजें आसान करके समझा रहा हूं। तो एक बच्चा कहता है फिर पॉइंट पे आओ ना, सीधा वो एग्जाम्पल बताओ जो एग्जाम में लिखना है। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सिंपल सोच के देखिए, ऑयल प्लस वॉटर, पानी और तेल, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ऑयल प्लस वॉटर, पानी और तेल को मिक्स करो तो क्या आसानी से मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते। और अगर मिक्स होते हैं तो एक अलग अलग परत बना लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ऑयल प्लस वाटर का भी एक एग्जांपल है। पानी में आप शहद मिला सकते हो, शहद पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, शहद वाला पानी, नमक वाला पानी, तेल वाला पानी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनका जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में जब कोई एक या एक से ज्यादा अलग अलग वस्तुएं आपस में है मिल जाती कुछ इस प्रकार कि उन्हें हम इस नजरिए से देखते हैं कि उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, रिएक्ट नहीं किया, मिल तो गई है लेकिन कुछ नया नहीं बनाया, तो दे आर नॉट कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। माई डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, अब सवाल आता है कि सर
ठीक है, आपने एक पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। इस पूरे फ्लो चार्ट से आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, क्या होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, पूरा आपने बेसिक ज्ञान दे दिया। तो क्या हम ये मान ले कि ये चैप्टर की इंट्रोडक्टरी बातें हैं और इंट्रोडक्टरी बातों का ये खात्मा है? जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अब मुझे अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ाना है तो ये है प्योर सब्सटेंसेस। इंप्योर सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। व्हाट आर एलिमेंट्स बता तो दिया, बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं ये कहां बताया? जी हां, तो अगला वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा इसी यूनिट का दूसरा वीडियो लेक्चर, जिसमें शुरुआत करूंगा मैं एलिमेंट्स से, आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स और डिटेल में क्या होते हैं, किस तरीके से बहुत सारे और एग्जांपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और केमिस्ट्री के इस चैप्टर को एक नया मोड़ दूंगा। आगे जाके आपको और चीजें पढ़ाऊंगा मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आपके जहन में एक थॉट प्रोसेस शुरू करने के लिए था कि यार साइंस को तुम इस नजरिए से भी देख सकते हो। यही वजह थी कि मैंने आपको ये सारी बेसिक बातें, ये सारा बेसिक ज्ञान बहुत बेसिक तरीके से दिया, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। बिल्कुल, अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको बताई हुई सारी बातें अच्छे से समझ आ गई है तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। चलो एक बार को भूल भी जाओ, जो चीज आपको नहीं भूलनी है वो है मेरे वीडियो लेक्चर के खात्मे के बाद किताब खोल के रीड करना, वो करना मत भूलना। बाकी सब कुछ भले ही भूल जाना, मैं अगर कुछ नहीं पसंद करूंगा तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट कि मेरे किसी बच्चे का कोई नुकसान हो। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी फ्रॉम द बुक व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो फार। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, आपको नया टॉपिक समझाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन।